बहुत दूर से चल के आया हूँ और अभी हमारे पहले माननीय मंत्री जी जो बातें बता के गए हैं और जो आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी का जो आशीर्वाद है इन बच्चों के ऊपर ऐसा ही रहे, क्योंकि उनको जरूरत है। अभी उठते बच्चे हैं, अभी खेलते खाते बच्चे हैं, बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी जिंदगी में, जिसमें आपका, चूंकि आप क्षेत्रीय हैं और माननीय भी है इस क्षेत्र के, तो आपका सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस संस्थान को आगे ले जाने में। मैं संस्थान के जो अध्यापक है उनसे मेरा एक ही निवेदन है, बच्चों को जब शिक्षा दे इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज ना उनको दे जो अतार्किक हो, अवैज्ञानिक हो, असंवैधानिक हो। इन मेरे तीन शब्दों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें उनको शिक्षित करने में। मंत्री जी तो जा रहे हैं, उनका सम्मान के साथ विदाई कर दिया जाए और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी ने जो भी कहा है आप लोग उसको देखिए और उनका सहयोग लीजिए। अध्यापक जो होता है वो क्या देना चाहता है और बच्चे को किस दिशा में ले जाना चाहता है, पूरे तरीके से अध्यापक के ऊपर निर्भर रहता है। आप बच्चे को किस दिशा में ले जाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, प्रवक्ता बनाएंगे, वकील बनाएंगे, ये पूर्ण रूप से अध्यापक के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो हर बच्चे को बहुत करीब से परखते हैं। इसकी योग्यता क्या है, इसकी रुचि क्या है, इसका क्षेत्र विषय क्या है, किसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो उसको उधर की ही तरफ ले जाए। किसी के दबाव का, चाहे वो गार्जियन का हो, चाहे अध्यापक का हो, चाहे बच्चे का भी हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में नहीं देना है। एक मेरा ये मानना है, कभी कभी होता है हमारी जिसमें रुचि है, मैं जैसे डॉक्टर बनना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी क्षमता होता है इस छोटी सी जिंदगी में। आपका विषय है कि हम क्रिकेट खेले, सचिन की तरह बने, आपकी रुचि है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे तो मेरा मानना है कि आप फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दीजिए। बिल्कुल यही हालात शिक्षा में भी लागू होता है। हम चाहते तो है आईएएस बन जाए, लेकिन अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं है तो हम उसके पीछे अपना समय व्यतीत ना करें। क्षेत्र की कमी नहीं है। आज एक बीए करने वाला बंदा भी कभी कभी हम लोग के ऊपर आईएएस बन के राज करते हैं। कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है, ध्यान इस बात का रहे कि उसमें आप परफॉर्मेंस कितना अच्छा करते हैं। खेल, हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं कभी मनोरंजन के तौर पे खेलते हैं, आज लोग उसमें लाइफ बना रहे हैं और अरबों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और एक अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कोई भी क्षेत्र खराब नहीं है, चाहे वो कोई धावक हो, तीरंदाज हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो भी उसमें जिसकी भी रुचि हो वो एक क्षेत्र माना जाए और उसमें उसका पूरा सहयोग किया जाए। हम भीमराज जी को जानते हैं, शायद बहुत ज्यादा दिनों से तो नहीं, कुछ दिनों से जानते हैं, लेकिन उनकी जो ये सोच है वो बहुत ही अच्छी है। अगर हम 12 साल तक मेहनत कर दे तो शायद 12 साल बाद ये बच्चे हमें कुछ देने लायक बन जाएंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई तमाम चीजें हैं, तमाम क्षेत्र में है, लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि हमें उसको प्रोडक्टिव बनाना है। एजुकेशन दे करके ये नहीं करना है जैसा कि वर्तमान में चल रहा है कि बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमने बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो कृपया मेरा निवेदन है बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो अपने क्षेत्र में
इतना बेहतरीन कर ले जो अपना जीवन यापन कर सके उसके लायक बनाना है, और आपका सम्मान और संस्था का सम्मान उसी में निहित भी है। और संस्था को मेरी तरफ से एक शुरुआत है, बात सही है, जो लगाव हमें मिला, जो प्यार हमें मिला यहाँ आकर के, तो मैं देवेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरी तरफ से 5000 रुपये का योगदान इस संस्था को जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ।